है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संगीता, फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज का वीडियो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। अभी तक के जितने भी वीडियो है उससे सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इस वीडियो में की है भाई। 3 दिन लग गए मुझे ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए, ठीक है भाई। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो वीडियो आपको मिलेगा, इंटरनेट पे चाहिए, यूट्यूब पे चाहिए, ये वीडियो आपको मतलब जो मैं मेथड बताऊँ मेथड नहीं मिलेगी। और मिलेगी फिर भी इतनी मतलब टेक्निकल बातें हैं जो आप नहीं समझ सकते। जो मैंने बताया है भाई, 0% टेक्निकल नॉलेज होगा वो बंदा बना सकता है। इसमें मैंने आपके $200 से भी ज़्यादा रुपीज़ मैंने सेव किए हैं। आपको सारी की सारी बातें बताऊँगा, आपको टेम्पलेट फ्री में मिलेगा, एडिट कैसे करना है वो स्क्रैच से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। प्लस आपको डोमेन होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलेंगे। प्लस अनलिमिटेड ईमेल कैप्चर कर सकते हो वो एक स्टैटिक पेज में। स्टैटिक पेज में ईमेल कैप्चर करना भाई बहुत ही हार्ड है भाई। आपको एक डेटाबेस चाहिए, मैंने एक ऐसी चीज़ मतलब एक मेथड लाया हूँ कि जो डेटाबेस है वो आपके पास रहेगा, किसी सर्वर पे स्टोर नहीं रहेगा। क्योंकि जो दूसरे सर्वर पे स्टोर होता है कि आपके ईमेल जो मेहनत करके लाए वो दूसरे यूज़ कर सकते हो भाई, कोई भी हो, वो क्लिक फनल हो, मेल चैम्प, वट एवर, जो भी हो भाई। तो आपका जो ईमेल आईडी मतलब जो आपका होगा डेटा वो आपके पास ही रहेगा भाई। तो ये वीडियो में बहुत मेहनत लगी है भाई, जो इस बार तो मैं चाहता हूँ कि 200 लाइक मिनिमम होनी चाहिए भाई, नहीं तो फिर ये भी इतनी मेहनत नहीं करूँगा आपके लिए भाई। मैं ऑलरेडी मेरे पास कोड अवेलेबल था, मैं आपको वो कोड दे देता, बट उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए था क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग की बातें आती जो आप नहीं समझ सकते, मुझे मालूम है। इसीलिए मैं मेथड इसी ढूंढ रहा था कि जो आराम से आप कर सको, क्योंकि डायनामिक पेज में वर्डप्रेस में आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। बट मेरा इस चैनल का हमारा सबसे पहला मोटिव यही है कि आप फ्री में आपको दूँ कि फ्री में कौन सी टेक्निक से आप अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर है जो एफर्ड नहीं कर सकते भाई। आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ भाई 200 लाइक चाहिए प्लस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हो भाई। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, कुछ भी करो, मैं नहीं जानता भाई, बट इस बार 1000 सब्सक्राइबर कल तक कंप्लीट मेरे होने चाहिए, बहुत ही करीब आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक बोनस वीडियो भी दूंगा, वो हम बाद में बात करेंगे। बट जो नए हो जानते नहीं उनको बताना चाहूँगा, मेरा नाम अंकित, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करता हूँ और सारी की सारी फ्री मेथड से अर्निंग करता हूँ। अभी मेरे आई बटन में जाइए, आपको पिंटरेस्ट की सीरीज बहुत कुछ मिल जाएगा भाई। आप फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो जो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो बहुत सी कुछ बातें अभी होगी, नई हमें जर्नी चलती रहेगी, बहुत कुछ होगा भाई। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा तो वीडियो पूरा देख लीजिए, बाद में सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्टेप बाय स्टेप देखना, नहीं तो कुछ स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया भाई, इससे आसान लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता, बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलेगी भाई। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना यार, लाइक अभी के अभी कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर लो, और हो सके तो अपने फ्रेंड से शेयर करो भाई, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगी है इस बार, तो भाई 200 लाइक्स प्लीज चाहिए, मतलब चाहिए ही भाई, नहीं तो इतनी मेहनत फिर से मैं नहीं करूँगा भाई। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको वीडियो स्टार्ट करते। जिसको अर्निंग प्रूफ देखना है, जो भी नए बंदे आई बटन में जाइए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, मेरी अर्निंग क्रेडिट सब कुछ है भाई। गर्मी बहुत है भाई, तो थोड़ा पसीना भी हो रहा है, तो चलिए अभी बकवास नहीं करते, अब काम पर लग जाते। हे दोस्तों, जो आप देख सकते हैं मेरा टेम्पलेट है, सिंपल सा आप देख सकते हो। उसमें आप एक टाइमर आपको मिल जाएगा, एक ईमेल आईडी के लिए कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। पूरा ऑप्टिमाइज करके रखा है भाई, बेस्ट टेम्पलेट में मानता हूँ कि ये टेम्पलेट आप किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। अभी तक मेरी जितनी भी अर्निंग हुई है 99% मैंने यही टेम्पलेट यूज़ किया है भाई। तो ये टेम्पलेट बहुत ही ऑप्टिमाइज है, आप उसको इजीली एडिट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग क्यों मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल आईडी, ठीक है। तो ईमेल आईडी जब भी मतलब आपको कलेक्ट करने होंगे तो आपको एक डायनामिक वेबसाइट चाहिए। डायनामिक वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा, इसके अलावा आप SSL सर्टिफिकेट भी आपको बाय करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका $200 से भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा सिंपल एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए फ्री में टेम्पलेट, फ्री में डोमेन, फ्री में होस्टिंग, फ्री में SSL सर्टिफिकेट, प्लस ईमेल कलेक्शन भी कर सकते हो एक स्टैटिक वेबसाइट में भाई। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, गूगल पे ट्राई कर लो या फिर आप यूट्यूब में कभी ट्राई कर लो, आपको एक ट्यूटोरियल कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद भाई बनाया है भाई, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप इजीली बना सकते हो, बट जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो कैसे बनाएगा भाई। मैंने बहुत ढूंढा भाई, मैंने खुद पहले ही डेवलप कर दिया था,
मतलब अपने लिए, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी कोड था बट वो थोड़ा टेक्निकल था जो मैं आपको समझा नहीं सकता था, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई कोई ऐसा मेथड बनाऊँ कि इजीली कोई गेट कर सके और फ्री में हो सके। आपको पेड बहुत सारे मिल जाएंगे, क्लिक फनल मिल जाएंगे, गेट रिस्पॉन्स बहुत सारे, बट वो आपको बहुत सारी लिमिटेशन देते हैं, जैसे 1 महीने काम कर सकते हो, कई सारे ऐसे भी आपको 1000 ईमेल कलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद पेड लेना पड़ेगा। तो मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है वो मतलब अभी एफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरा जो मेन मोटिव होता है कि मैं कुछ भी करूं भाई फ्री में लाऊं यार, इसलिए मैंने कम से कम 3 दिन भाई काम किया है तब मैं एक बना सका हूँ, ठीक है। पहले भी बनाए थे बट वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल थे जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक्सप्लेन करता फिर भी आप समझ नहीं पाते। तो मैं बहुत ही एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ भाई जिससे आप आराम से भाई कर सकते हो भाई मतलब ईमेल कलेक्शन और उसको अच्छी तरह रख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल मेरी एक वेबसाइट है, आप देख सकते हो, उसमें मुझे ईमेल कनेक्ट करना है। देखिए पहले तो मैंने एक वैलिडेशन भी रखा है, तो ईमेल कलेक्ट किए बिना वो इंसान जा ही नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ testgmail.com, अभी ये रिडायरेक्ट हो जाए, अभी देख मैं डायरेक्ट भी यहाँ करूँगा तो भी एक वैलिडेशन फायर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैंने रखा है। इसके अलावा आप gmail.com कीजिए। आपको इसमें चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल जाओगे, आपको मैं बताता हूँ 5 या 6 स्टेप बताता हूँ, 10 मिनट के अंदर आपका रेडी भाई हो जाएगा आराम से बिना कुछ किए, ठीक है भाई। ठीक है, आप देख सकते हो और आपका ईमेल कलेक्ट होगा। यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी डाला था टेस्ट @gmail.com, फिर से भी टेस्ट वाला डाला, ठीक है। तो ये कलेक्ट हो गया भाई और आपको एक रिस्पॉन्स यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपका ईमेल कलेक्ट हो चुका है आपके एक्सेल सीट के अंदर भाई, ये आपकी एक्सेल सीट है, आपके गूगल ड्राइव में स्टोर रहेगी भाई, आपका जो डेटा है वो आपके पास ही रहेगा, कोई और यूज नहीं कर सकता भाई। एकदम सिंपल स्टेप है जो मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना, ज्यादा मतलब ये मत करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई मैं जो बताता हूँ। जब भी आप बनाने बैठो टेम्पलेट तो मेरा वीडियो देखना और साथ में काम करना, 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा, एक भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। मैंने उसको बहुत ऑप्टिमाइज किया है, स्टेप बाय स्टेप बनाया है कि जिससे आप आसानी से समझ सको भाई। बहुत ही भाई अच्छा ये टेम्पलेट है भाई, बहुत ही ऑप्टिमाइज भाई। सिंपली टेम्पलेट के बारे में बता देता हूँ, लैंडिंग पेज क्या होता है भाई, जो मेरा एक माइंडसेट है, मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से बनाता हूँ। मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं यूजर को जितना मिनिमम टाइम हो सके उतने अपने पेज पे होल्ड करूँ और उसको रिडायरेक्ट कर दूँ सेल पेज पे, क्योंकि सेल पेज बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रही उसकी स्क्रीन, सिंपल स्क्रीन, ठीक है। उसमें मतलब मैंने 2-3 लाइन डाली है जो उसकी हाईलाइट करती है। इसके अलावा एक इमेज, इमेज को कैसे चेंज करना वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और एक टाइमर, ये टाइमर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। टाइमर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि टाइमर से वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी भाई कि 3 मिनट के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा कुछ भी, तो इसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी क्लिक करे, ठीक है। जब भी ये ईमेल आईडी यहाँ पे डालेगा और क्लिक हियर टू वॉच वीडियो करेगा तो हमें एक ईमेल कलेक्ट हो जाएगा और वो अंदर रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने सेल पेज पे। तो वो एक ईमेल आईडी आने के बाद आप उसको चाहे तब उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं और फ्यूचर में दूसरी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। और सिंपल एक कॉन्सेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग में, एक ईमेल आईडी आपको $1 कमा के दे सकती है हर महीने। तो समझ लो कि ईमेल आईडी कितना इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने एक वीडियो बनाया था उससे पहले, वो जाके देख लीजिए, मैंने बताया था ईमेल आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैं भी खुद कलेक्ट नहीं करता था, मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया बट मैंने चाहा कि भाई अपनी ऑडियंस है वो भी भाई ईमेल मार्केटिंग अभी से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आपको आपके पास एक एक्सेल रेडी हो जाएगी, उससे आप आराम से भाई कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग, ठीक है भाई। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको सिखाता हूँ कि टेम्पलेट एडिट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा, शांति से भाई देखना, 100% हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आपके सामने ही एक ब्लैंक टेम्पलेट लूंगा, उसको एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं वो टेम्पलेट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेस्ट टेम्पलेट करके मैंने रखा है, उसको सबसे पहले आपको जाना है इंडेक्स फाइल होगी, इंडेक्स फाइल को राइट क्लिक करके आप नोटपैड में नोटपैड प्लस प्लस जो भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। नोटपैड में भी आप ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो नोटपैड में पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नोटपैड में, मेरे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो मैं उसमें ओपन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको मतलब कलर वो सब कुछ अच्छा दिखेगा, बट आप नोटपैड में भी सेम स्ट्रेटेजी से काम कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई एडिटर नहीं हो तो, और नोटपैड प्लस प्लस है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो अभी मैं अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन करके दिखाता हूँ, सेम चीज आपको नोटपैड में ओपन करनी है। मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन में सिंपल कर दिया। तो भाई मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ मैंने पहली 3 लाइन लिखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे
फर्स्ट चेंज योर एफिलिएट लिंक। सबसे पहले यही काम करना है कि अपनी एफिलिएट लिंक चेंज करनी है, क्योंकि हमारा काम ही है भाई सेल करना। जो आप अपनी एफिलिएट लिंक नहीं रखोगे भाई तो आपकी सेल नहीं होगी कभी। तो सबसे पहले यही काम कीजिए, आके सबसे पहले योर एफिलिएट लिंक चेंज करनी है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चलता हूँ, चलो अपने क्लिक बैंक में कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्रमोट पे क्लिक करूंगा और उसकी जो एफिलिएट लिंक होगी उससे मैं बिटली से कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल। तो अभी मेरी होप लिंक क्रिएट हो चुकी है, उसको मैं सिंपल कॉपी करूंगा। उसके बाद आप बिटली में जाके सिंपल उसको शॉर्ट कर लो, क्योंकि उससे आप ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखा रहा हूं कि आप आसानी से कर सके। मैं जो स्टेप बता रहा हूं वही स्टेप इंप्लीमेंट कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी बिटली ओपन हो चुका है, मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, यहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और आपकी एक लिंक रेडी हो जाएगी भाई, ठीक है। ये आपकी लिंक रेडी हो चुकी है, आपकी एफिलिएट की लिंक। अभी मैं करूंगा कंट्रोल और नोट पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है भाई। अभी हमें चलना है अपने एडिटर के अंदर, आपका नोट पे प्लस प्लस हो या नोट पे कोई भी हो, ठीक है। तो मैंने ये रखा है योर एफिलिएट लिंक, मैंने 6 जगह पे रखा होगा। कंट्रोल सी कर लो, 6 या 5 होगा आप चेक कर सकते हो। यहाँ कंट्रोल सी कर लो, उसको कंट्रोल एफ करो। आप देख सकते हो जहां पे भी आपको लिंक मिले ना, देखिए योर एफिलिएट लिंक, वहां आपको आपकी एफिलिएट लिंक डालनी है। आपको 5 या 6 जगह पे मिल जाएगी आराम से, वहां जाके आपको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे करना है आपको। देखिए ये लिंक मिल गई मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रिप्लेस का ऑप्शन मुझे मिलता है, बट आपको नॉट पे में रिप्लेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको 1 बाय 1 करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल जाऊंगा, मैंने बिटली की लिंक बनाई हुई है, ये रही मेरी, मैं इसको कंट्रोल ए सी कर दिया सिंपल, और उसको जाके मैं रिप्लेस करूंगा। जैसे देखिए ये रिप्लेस हो गई, रिप्लेस हो गई, आपको सिर्फ रिप्लेस करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपको देखा अभी हो गई है। तो आपको नोटपेड में जाके 1 बाय 1 रिप्लेस कर दें, सिर्फ कॉपी पेस्ट, मतलब जहां भी आपको दिखे योर एफिलिएट लिंक वहां पे जाके आपको डालनी है अपनी बिटली वाली लिंक। देखिए यहाँ पे भी गलती से हो गया, तो आपको यही करना है भाई, जितनी भी जगह आपको मिल जाए बिटली मतलब योर एफिलिएट लिंक वहां जाके रिप्लेस कर दो। सिंपल स्टेप है भाई, आपको दिख रहा है योर एफिलिएट लिंक करके होगा, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एफ करके ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो, बस सिंपल ही है भाई, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप आएगा वेबसाइट टाइटल। वेबसाइट टाइटल क्या डालना है, सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सी है वो चेक कर लीजिए। अभी मेरी प्रोडक्ट है योर मैनिफेस्ट कोर्स, तो मैं क्या करता हूँ उसका ही नाम ले लेता हूँ, ठीक है। आपका प्रोडक्ट का जो भी नाम हो आप लिख सकते हो। ये कहाँ पे आएगा वो भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, योर मैनिफेस्ट कोड ये दिखेगा यहाँ पे। देखिए जैसे मैं यहाँ ले जाता हूँ तो दिख रहा है जो आप प्रोस्पेक्टिव मैसेज करके जो अभी पॉपअप आ रहा है वो वहां पे दिखेगा। मतलब आप जो भी डालना चाहते हो वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रोल मतलब आप होवर ले जाओ, देखिए ये दिखा वो दिखेगा, ठीक है, सिंपल है भाई। इसके अलावा अब हमारा पहला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आएगा गूगल एनालिटिक्स का कोड, जो आपको डालना हो तो गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पे डाल सकते हो। कैसे डालना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वीडियो में जाके देख लो। आप ट्रैकिंग वेबसाइट की कर सकते हो तो आप यहाँ डाल सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पिक्सल का भी कोड यहाँ पे ही डालना है, ठीक है। मैंने उसके लिए आपको ऑप्शन दे ही दिया है कि गूगल एनालिटिक्स का, तो यहाँ पे डाल दीजिए कोड, अपना ट्रैकिंग कर सकते हो। उसके लिए आई वीडियो में जाना, आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, बट नॉट अ कंपलसरी, जिनको ट्रैक करना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें आना है धीरे धीरे नीचे आओगे, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देखो यहाँ स्टेप 2 लिखा है। तो स्टेप 2 में भाई क्या होगा, सिंपल यहाँ आपकी जो मेन हेडलाइन होगी ये यहाँ पे आएगी। तो टाइप हियर योर मेन हेडलाइन, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो मेन हेडलाइन है, जैसे ये इसकी मेन हेडलाइन है। तो मैं इसको सिंपल सा कॉपी कर लूंगा, अभी नहीं हुआ, ठीक है। आपकी जो भी प्रोडक्ट हो आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट में सेम चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, मैंने कॉपी कर लिया। आपकी यहाँ जो मेन हेडलाइन है वही यहाँ पे आएगी, देखिए अभी मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी आपको मैं ऐसे हो तो ब्राउज़र में दिखाई देता हूँ कि हमारा टैबलेट अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है। भाई जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हो तो भूलना मत, यह कंट्रोल एस एक बार कर देना तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ब्राउजर में जाके चेक कर सकते हो, और जब भी आप ब्राउजर में चेक करो आपको चेंजेस यहाँ ना मिले तो और कुछ नहीं, सिंपल कंट्रोल एफ 5 कर दो तो आपको रिफ्रेश होके आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक लाइन ऐड कर दी, वो हो चुका। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले इमेज चेंज करनी है। तो इमेज चेंज करने के लिए भाई आपकी जो भी प्रोडक्ट हो उसका सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमारी प्रोडक्ट है ये, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसका सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैंने ऑलरेडी लेके रखा है टाइम बचाने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे।
तो आपको सिंपल से ऐसी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसको करना क्या है, उसका नाम सिंपल प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। प्रोडक्ट नाम रखना है आपको, उसको कॉपी कर लो, और उसका एक्सटेंशन कौन सा है, जेपीजी है या पीएनजी, वो चेक कर लेना है। इसका है पीएनजी, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर लिया सिंपल, मैं चलूंगा अपने टेम्पलेट के अंदर, देखिए ना आपको टेम्पलेट दूंगा, उसमें आपको फोल्डर मिल जाएगा इमेज करके, आपको कुछ नहीं करना, वो इमेज पे जाना है, प्रोडक्ट करके एक इमेज होगी उसको रिप्लेस कर दो सिंपल सा, ठीक है। अभी रिप्लेस हो चुकी है, और वो भी मेरी पीएनजी फाइल थी, तो टेंशन नहीं भाई, आपकी गलती से जेपीजी फाइल हो तो आपको कुछ नहीं करना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी स्टेप थ्री कौन सा आएगा वो दिखा देता हूँ आपका, स्टेप थ्री में आएगा इमेज, दिख रहा है, तो ये इसका पाथ है इमेज डॉट प्रोडक्ट डॉट पीएनजी। तो जैसे आपकी इमेज का नाम डॉट शायद जेपीजी फॉर्मेट में हो, तो यहाँ सिंपल जेपीजी कर दीजिए, ठीक है। जे आप जो उसका एक्सटेंशन आता है वो आपको करना है, वो आपको कैसे देखना है भाई वो भी दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे आप ले जाओगे कर्सर, तो यहाँ दिखा जाए पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल होगी तो जेपीजी फाइल आ जाएगी। जैसे इस पर ले जाता हूँ तो देखिए इस पर भी पीएनजी फाइल है, तो वो आपको दिखा दिखा, उसका सिर्फ आपको एक्सटेंशन चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। हो तो नहीं तो प्रोडक्ट नाम रखना, प्रोडक्ट नाम रखोगे तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीएनजी फाइल होगी, जिसे मैंने ये फाइल रिप्लेस कर दी, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, ब्राउजर में जाके एक बार चेक करते हैं कि रिप्लेस हुआ या नहीं। देखिए अभी नहीं हुआ, आप सिंपल कंट्रोल एफ फाइव कीजिए, देखिए कंट्रोल एफ फाइव हो गया, अभी देखिए इमेज चेंज हो चुकी है, ठीक है। कई बार क्या होता है रिफ्रेश नहीं होता, इसलिए कंट्रोल एफ फाइव करो तो पूरा ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा और आपको वो चेंजेस दिख जाएंगे। देखिए अभी एक लाइन भी ऐड हो चुकी है, सिंपल सी एक इमेज भी हमने चेंज कर दी है, ठीक है। टाइमर तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है। अभी बेस्ट पार्ट सबसे ज्यादा, अभी हमने एफिलिएट की लिंक चेंज कर दी, अभी जो हम आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें ईमेल आईडी कलेक्ट कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। तो अभी जो बता रहा हूं सिंपल दो तीन स्टेप है, बट सिंपल है, बट आप स्टेप बाय स्टेप देखना भाई, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे। अभी सबसे पहले हमने पूरा एक टेम्पलेट रेडी कर दिया है, हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, अभी हमें ईमेल कलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना भाई। स्टेप वन, जाइए आप गूगल में, उसमें जाके आपको सिर्फ सर्च करना है गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, देखिए जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कीजिए। देखिए अभी मैं गूगल फॉर्म ओपन ओके आ चुका, आपको पहले ही लिंक मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। गूगल फॉर्म मैंने सर्च किया, पहली लिंक आपको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ क्या ध्यान में रखना है, आप जो भी ईमेल आईडी यूज करना चाहते हो, आपका जो मतलब आप स्टोर करना चाहते हो, उस जीमेल से सिर्फ आपको लॉग इन कर रखना है, ठीक है। यह वो तो आपको दिखा देता हूँ, गो टू गूगल फॉर्म कर देना है, पहला स्टेप गूगल फॉर्म ओपन किया, उसके बाद जाना है दूसरा स्टेप है गो टू गूगल फॉर्म। अभी आपका ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ से अपना आप जीमेल चेंज करना चाहते हो, अपना जो भी जीमेल आईडी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं अपना कोई भी टेम्पररी जीमेल ले लेता हूँ, आपको चेंज करना हो तो आपका एक जीमेल होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, पर मल्टीपल जीमेल हो, आप जिस जीमेल में अपना एक्सेल सीट रखना चाहते हो वो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप अब जाना है आपको ब्लैंक टेम्पलेट पे, मैंने ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करना है सिंपल, कि अभी रेडी हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ वही फॉलो करना, कुछ ज्यादा करना नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे जाके अपना फॉर्म का नाम देना है, आप जो कुछ भी दे सकते हो, जैसे मेरी प्रोडक्ट है योर मैनिफेस्ट कोड, तो मैं योर मैनिफेस्ट कोड ईमेल, ठीक है, लिस्ट कर देता हूँ। देखिए भाई इस आपका आपको देना है आपके लिए, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। वो ज्यादा कि आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हो, ये आपकी फाइल का नाम होगा। मैंने इसलिए प्रोडक्ट का नाम लिखा क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट जब लूंगा तो मुझे पता चलेगा इस प्रोडक्ट में इतनी मेल आए, ठीक है। दूसरा एक उसके बाद दूसरा स्टेप करना है, अनटाइटल क्वेश्चन होगा, यहाँ ऑप्शन वाला होगा, आपको कुछ नहीं करना, अनटाइटल क्वेश्चन है, वह सिंपल टाइप करना है ईमेल, आप देख रहे हो मैं क्या कर, सिंपल ईमेल टाइप करोगे तो ये देखो शॉर्ट आंसर हो गया, शायद यहाँ आपको रखना है एक ही ऑप्शन रखना है, शॉर्ट आंसर ना मिले तो यहाँ जाके सिलेक्ट कर लेना है, बस आप जब ईमेल लिखोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ना हो तो शॉर्ट आंसर सिलेक्ट यहाँ से कर लेना, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हमारा जो आधा काम रेडी हो चुका है, अभी दो स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। आप यहाँ देख सकते हो प्रीव्यू करके एक ऑप्शन है, प्रीव्यू पे सिर्फ सिंपल क्लिक करो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको काम करना है अपने एक नोटपेड फाइल ओपन कर दीजिए, ठीक है, आई मैंने रखी नोटपेड फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से दिखाता हूँ, क्लिक करना है प्रीव्यू पे, जब भी प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये लिंक ओपन होगी, लास्ट में आएगा ऑप्शन व्यू फॉर्म, तो आपको व्यू फॉर्म है वो छोड़ देना है, इसके बाद का जितना भी है उतना कॉपी कर लो, क्या व्यू फॉर्म इतना दिख रहा है उसको स्किप कर दो, इसके अलावा पूरी URL कॉपी कर लो, देखिए यहाँ से
नहीं तो पूरी की पूरी ऐसा हो तो आप पूरा का पूरा कॉपी कर लो, ठीक है, ऐसा आप कंट्रोल सी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बट सिंपल पीछे से जो व्यू फॉर्म वाला है ना, इतना निकाल देना और कुछ नहीं करना, नहीं तो आप यहाँ से इतना भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एक बात हो गई, अभी जो बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिए भाई, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सोच आप क्रोम, मैं कह रहा हूँ कि जो भी करने वाले तो क्रोम ब्राउजर यूज़ करना, ये ऑप्शन ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा, आपको फायरफॉक्स में भी ऑप्शन मिल जाएगा, बट शायद वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे लोग गूगल क्रोम ओपन करना, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए योर आंसर पे, ठीक है, यहाँ राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कीजिए। देखा भाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पे योर आंसर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो आप आपकी जो होगी ना वो ब्लू लाइन में आ जाएगी, देखिए आप देख रहे हो, तो उसका नाम होगा इनपुट टाइप करके होगा, तो इनपुट टाइप पूरे पेज में एक ही बार होगा, तो इससे आपको आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और फिर भी आपको मतलब सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पे जाइए, देखिए सिलेक्ट एन एलिमेंट, तो ए सिलेक्ट करिए, ब्लू लाइन हो जाएगी, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ योर आंसर पे, ठीक है, तो फिर भी आप ये ब्लू लाइन यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आपको यही सिलेक्ट करना है, यहाँ से इतना देख लीजिए इनपुट टाइप करके होगा, ठीक है, उसमें कहीं पे नहीं जाना, उसमें एक फील्ड मिलेगी आपको नेम करके, देखिए आप, आपको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये है उसकी नेम, तो उसका नेम हमें चाहिए, एक बात सिर्फ याद रखना और कुछ नहीं, सिर्फ दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसकी जो लिंक कॉपी करनी है, दूसरा इसका नेम, उसको भी कॉपी करके आपको रख देना है आपके नोटपैड फाइल में। अभी आपका काम हो चुका है, फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ जाके सिंपल इतनी लिंक कॉपी करनी है और योर आंसर में जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू लाइन सिलेक्ट होके आ जाएगी, देखिए आप ब्लू लाइन आई है, उसमें जाके उसका नेम लेना है। आप समझ गए भाई, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ भाई, ज्यादा सोचे मत कि मुझे से नहीं हो भाई, सिंपल है भाई, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और ये लेना है, ले लेना है, ठीक है, और कोई सिलेक्ट नहीं करनी, आपको देखना है ऊपर एलिमेंट सिलेक्ट होना चाहिए, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, और उसमें भी इनपुट टाइप करके एक ही फील्ड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगे, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर और बताए कि शायद गलती से आप कहीं और पे क्लिक कर दो, आपको फाइंड ना मिले, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से जाके योर आंसर पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर भी वो ब्लू लाइन होके आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है भाई, करना हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी आपका हो चुका है, अभी अभी हमें थर्ड स्टेप कौन सा करना है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने अपना जो दो चीज इंपॉर्टेंट थी, अपने फील्ड का नाम और लिंक, वो दोनों ले लिए, अभी मेन स्टेप आएगा, अभी आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक होके इसका नाम तो चेंज हो ही कर दिया हमने, अभी यहाँ पे क्लिक करना है रिस्पॉन्स, देख सकते हो रिस्पॉन्स पे मैंने क्लिक किया, रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक चीज, उससे पहले एक बात बता दूं कि आपको गूगल ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर रखना हो तो आप फोल्डर यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल, जैसे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ माई ईमेल कलेक्शन, आपको जहाँ पे भी रखना हो रख सकते हो, मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूँ भाई कि कैसे बनाना है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये बन गया है, देखिए फोल्डर बन गया, मैं उस पर जाके मूव कर दूंगा, तो अभी क्या होगा, आपकी जो एक्सेल सीट बनेगी और ये जो पेज स्टोर होगा वो आपके इस फोल्डर में अंदर सेव होगा, ठीक है, अभी चेंज भी हो चुका, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पे आएगा, बट हमें एक एक्सेल सीट चाहिए कि हम प्रॉपर फॉर्मेट में देख सकते कितनी हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ प्लस का साइन दिखेगा, क्रिएट स्प्रेडशीट, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये लास्ट स्टेप है आपका सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट क्लिक करना है, सिंपल मैं क्लिक कर दिया भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, एकदम सिंपल है, मैं जो बता रहा हूँ वो देख के आप काम करना तो आपका बन जाएगा आसानी से। आप देख सकते हो योर मैनिफेस्ट कोड ईमेल लिस्ट, देख रहे हो, और आपका नाम चेंज करना तो आप यहां से चेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता चेंज करने की जरूरत है, चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उस फाइल से सेव होगा, सिंपल आपको क्रिएट कर पे क्लिक कर देना है। अभी क्या हुआ, आपका एक एक्सेल सीट रेडी हो चुका है भाई, तो अभी जो भी ईमेल आएंगे वो सारे के सारे इस ईमेल में स्टोर होंगे, टाइम स्टैम्प के साथ आएगा, टाइम और डेट के साथ आएगा, तो आप पता कर सकते हो कौन से टाइम पे कितने ईमेल आए थे, ठीक है, तो वो जो भी ईमेल आएंगे वो यहाँ पे ईमेल आएंगे, सिंपल हो गया। अभी हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दो है, एक तो आपको ये मैंने लिंक दी और ए, अब इसको चेंज कहाँ पे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने जो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले आ जाइए आपके वीडियो, मतलब जो होगा आपका जो नोटपैड फाइल ओपन की कुछ भी, उसके लास्ट में आ जाइए, कौन सा हमने टेम्पलेट ओपन किया था राइट क्लिक करिए वही है, ठीक है,
लास्ट में आओगे तो आपको सबसे पहले ये दो लिंक दिखेगी। मैंने यहाँ के रखा है चेंज यूआरएल एंड डेटा, देखिए आप ऊपर लिखा ही है तो आपको वो मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आपको लिखना है कि चेंज यूआरएल एंड डेटा मैंने कहाँ पे रखा है, लास्ट में, लास्ट में ही ये मैंने रखा है क्योंकि आपको आराम से मिल सके। तो आपको एक लिंक दिख रही होगी, आप लिंक देख लीजिए, ये रही यहाँ तक की। ठीक है, तो फॉर्म रिस्पॉन्स करके होगा, तो आपको ये चीज है, ये चीज आपको निकालनी नहीं है भाई, सिंपल दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, चेक कर लीजिए, ये लिंक निकालनी नहीं है, सिंपल इतनी जो है, मैं इसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसको है ना, सबसे पहले ऐसा हो तो निकाल दीजिए, बैकस्पेस कीजिए या डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अभी कितना रहा, फॉर्म रिस्पॉन्स हमें ही रखना ही है। हमारी जो लिंक है, ए रही लिंक, इसको मैं कॉपी करूंगा, सिंपल मैंने कॉपी की और उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको एंटर करके ऊपर ले जाए, पूरी लिंक आपकी हो गई, सिर्फ फॉर्म कलेक्शन, फॉर्म रिस्पॉन्स है आपको रहने देना है। ठीक है भाई, तो ये अपनी रेडी हो चुकी है। अभी हमें क्या मिलेगा, चेंज यूआरएल डेटा, डेटा कहाँ है, डेटा ए रहा भाई। ठीक है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना, हमने कॉपी करके रखा है। अभी आपका 99% रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको एक और चीज चेंज करनी है, वो दिखा देता हूँ मैं, देखिए अभी ये भी रेडी हो गया। तो चेंज यूआरएल डेटा मैंने लिखा है, तो सबसे पहले आके आपको लिंक चेंज करनी है। ठीक है, वो चेंज हो जाए उसके बाद डेटा में होगा तो एंट्री करके होगा, वो सिर्फ यहाँ बस रिप्लेस कर देना है भाई आपको, सिंपल सा भाई। ठीक है, वो भी आपको रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से आराम से। और मैं आपको जो कोड दूंगा, कोड में मैं इतना ही सिर्फ दूंगा जितना इतना, ठीक है, तो आपको यहाँ इतना दूंगा, तो आपको यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ एंट्री वाला होगा तो मैं एंट्री रहने दूंगा, ये निकाल के दूंगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिप्लेस ही करना और कुछ नहीं, क्योंकि आपको आसानी हो भाई, ज़्यादा टेंशन मत लो, हो गया भाई, इतना हमारा काम हो गया। ठीक है, अभी हमें जाना है थोड़ा ऊपर, आपको एक और मिल जाएगा चेंज नेम करके। देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा ये चेंज नेम, ये लास्ट स्टेप है हमारा ईमेल कलेक्शन के लिए। ठीक है, चेंज नेम लिखा है तो नेम उसका ए रहा, इनपुट टाइप करके होगा, इनपुट टाइप ईमेल करके, तो नेम एंट्री में नेम दिख रहा है, उसमें जाके हमने जो कॉपी किया था वो सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी आपका रेडी हो चुका है आपका ईमेल कलेक्शन का 100%। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, दो तीन बातें याद रखिए, क्या क्या करना है फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले आना है, ये लिंक चेंज करनी है। ठीक है, पीछे जो फॉर्म वाला है उसको चीज को रहने ही देना है आपको। ठीक है, इसके अलावा डेटा में जाके वो एंट्री वाले फिर यहाँ कॉपी कर लेना है, और सेम चीज ऊपर आओगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने लिखा ये चेंज नेम, वहां जाके आपको नेम चेंज करना है। अभी आपका एक टेम्पलेट रेडी हो चुका है बिल्कुल फ्री। अभी आपको जो भी आपको मेल कलेक्ट करोगे, अभी हम ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाई देता हूँ, लाइव दिखाऊंगा भाई, आपको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी ईमेल नहीं है, इसमें भी कोई रिस्पांस नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरे, क्योंकि मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया है। अभी देखिए, अभी आपका रेडी हो चुका है पूरा। ठीक है, अभी मैं एक ईमेल कलेक्ट करता हूँ, जैसे ankit@gmail.com। ठीक है, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर टू वॉच वीडियो पे। ठीक है, अभी यहाँ लोड हो रहा है क्योंकि नेट मेरा स्लो चल रहा है, जब भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ मैंने गलती से तीन बार क्लिक कर दिए तो मेरा तीन बार ईमेल कलेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है तो रिस्पांस बहुत लेट मिल रहा है भाई, इसलिए तो मैंने तीन बार क्लिक किया तो तीन बार मेरा यहाँ, देखिए आप यहाँ पे आपको दिखा देगा, तीन रिस्पॉन्स आ चुके हैं। देखिए ankit@gmail.com, यहाँ पे आप देख सकते हो ankit@gmail.com, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट कर दिया, क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा था, मुझे पता नहीं चला भाई। तो अभी भी मेरा पेज लोड हो रहा है, क्योंकि जियो का नेट यूज़ कर रहा हूँ घर पे, तो नेट बहुत स्लो चल रहा है, बट आप यूज़ करोगे तो आपका बहुत स्पीड में अच्छी तरह चलेगा, नेट की स्पीड की वजह से मेरा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो भाई सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, अभी ओपन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मेरे VSL सर्टिफिकेट मतलब पे रिडायरेक्ट भी हो चुका है, एक मिनट में नेट चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, हो गया भाई, अपना ऊपर आ भी गया, जो ट्रैकिंग आ जाता है सब कुछ। तो भाई अभी आपका रेडी हो चुका है आपका ईमेल कलेक्शन का, फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको, समझने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल मैं अपने पेज पे गया, यहाँ जाने के बाद मैं लिखता हूँ इस बार माई youtube@gmail.com। एक ही बार क्लिक करो, रिस्पांस थोड़ा लेट आ रहा है नेट की वजह से। ठीक है, अभी आप यहाँ चेक करिए, वो लो आ भी गया। ठीक है, इतना फास्ट है भाई, आराम से भाई हो जाएगा, आपके रिस्पांस पे भी आपको ये दिख जाएगा, देखिए रिस्पांस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्पांस आ गया,
अभी आपकी एक ईमेल लिस्ट कलेक्शन होती रहेगी भाई। आपके जो बोल रहा हूँ भाई बहुत ही इजी स्टेप है भाई, ऐसा टेम्पलेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी सेम ट्रिक आजमा सकते हो। आपको अब नया एक जैसे नई एक प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो तो कुछ नहीं, गूगल फॉर्म में जाना है, एक नया गूगल फॉर्म लेना है, नए पेज में एक नई यूआरएल लेनी है। आपको सिर्फ ये बातें ध्यान रखनी जो मैं बताइए, ये दो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये लिंक आप गलत लोगे और एक गलत लोगे तो आपका वर्क नहीं करेगा। जो मैं बताया वो स्टेप बाय स्टेप देखिए भाई, जब भी आप बनाने बैठो तो आराम से बन जाएगा भाई। इसके लिए मैंने भाई बहुत मेहनत की है ये ढूंढने के लिए। ये सबसे आसान तरीका था, इनसे आसान तरीका कोई भी नहीं है। आप गूगल पे चेक कर लो, यूट्यूब पे चेक कर लो भाई। जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि नेटलीफाई में आप होस्टिंग कैसे कर सकते हो, डोमेन कैसे फ्री मिलता है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिर भी मैं सिंपल दिखा देता हूँ साइनअप कैसे करना है, वो सब चीज आप आई बटन में जाके देख लेना। सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मेरा लॉगिन ऑलरेडी मेरा लॉगिन हो जाएगा। आप जो नए हो तो साइनअप पे जाइए, अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। सिंपल है भाई। अभी आपको पहली स्क्रीन ये मिलेगी, ठीक है। तो पहली स्क्रीन में आप देख सकते हो मेरी बहुत सारी वेबसाइट मैंने ऑलरेडी होस्ट करके रखी है, तो आप यहाँ होस्ट कर सकते हो। अभी आपको होस्ट कैसे करनी वो दिखा देता हूँ, नई वेबसाइट में आपको होस्ट करके दिखाता हूँ अभी जो हमने बनाई है फिलहाल, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने टेस्ट टेम्पलेट पे, अपना शिफ्ट कर लो। पहली बात याद रखो क्या को जाना का, आप साइट करके पहला जो टैब होगा वो ओपन करके रखिए, ठीक है। वहाँ नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा, डेप्लॉय न्यूज साइट विदाउट कनेक्टिंग गिट ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर ही है। तो आपको सिर्फ यहाँ फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं भाई। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मैं गया, सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और ये दिख रहा है सिंपल, यहाँ मेरे फोल्डर रख दिया। तो आपकी वेबसाइट लाइव हो गई, आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया, ठीक है भाई। सिंपल एक या दो मिनट लगेंगे क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो एक मिनट में रेडी हो जाएगी। अभी साइट हैज नॉट डेवलॉय, ये अभी आपकी ग्रीन लाइन हो गई, इसका मतलब आपकी वेबसाइट होस्ट हो गई है। आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए, ठीक है। अभी आपकी वेबसाइट की रेडी हो चुकी है और उसकी यूआरएल कैसे चेंज करनी है, डोमेन वो जाना है आपके लिए। डोमेन सेटिंग में एक मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है डेडिकेटेड डिटेल के साथ, वो आप जाके चेक कर सकते हो। आई बटन में आपको मिल जाएगा कि नेटलीफाई में होस्टिंग कैसे करना है। फिर भी आपको दिखा जाए सिंपली इतना स्टेप है। एडिट साइट नेम पे जाइए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट टेम्पलेट वॉट एवर, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट का नाम हो, जो भी हो भाई, योर मैनिफेस्ट कोड या कुछ भी ऐसे यहाँ लिख सकते हो, वो आपकी यूआरएल बन जाएगी। ऑलरेडी टेकन, देखिए किसी ने एक टेम्पलेट लिया है तो मतलब जो ऑलरेडी किसी ने डोमेन लिया वो आपको नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। लाभ बहुत सारे ले लिए, यहाँ कुछ भी रख देता हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए रहता हूँ, तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा जो डोमेन मिले वो ले लीजिए। देखिए अभी ये रेडी हो चुका है टेस्ट टेम्पलेट नेटलीफाई डॉट ए, ये आपका यूआरएल होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी भाई। तो अभी ये आपकी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ, डोमेन के साथ। देखिए SSL सर्टिफिकेट मिल गया भाई आपको यहाँ पे। भाई कुछ नहीं का, इतना सिंपल स्टेप आपको कोई बंदा नहीं बताएगा भाई। एक भी वीडियो कहीं पे भी जाइए ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी भाई आपके लिए। भाई ढूंढने में बहुत मैं टाइम लगा था भाई, मैं क्यों यही काम करता हूँ कि मिनिमम एफर्ट लगे आपके, क्योंकि मुझे पता है सारे बंदे टेक्निकल नहीं होते, उनको सारी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ढूंढता हूँ कि आपको आसान से कौन सा तरीका मिलेगा भाई। अभी देखिए आपका एक टेम्पलेट रेडी हो चुका है, आपका ईमेल कलेक्शन का भी रेडी हो चुका है। फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ netlify@gmail.com, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप जाइए तो आपको आपका कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आ गया netlify@gmail.com, आप देख सकते हो अभी रिडायरेक्ट हो रहा है मेरे यूआरएल पेज पे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे करना है भाई होस्टिंग। देखिए भाई होस्टिंग भी आपका होगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाइए आई बटन में आपको मिल जाएगा नेटलीफाई में होस्टिंग कैसे करना है। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया सेम स्टेप पे। अभी आपको चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना, डेप्लॉय पे जाइए, यहाँ पे जाइए और फिर से आपके फोल्डर में जो चेंज करना हो चेंज कर लीजिए, फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और यहाँ पे आके सिंपल रख दीजिए तो आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। अपडेट करना भी इजी है, उसके लिए सिर्फ आपको डेप्लॉय में जाना है और वो फोल्डर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। देखो ये यहाँ आ जाएगा मैसेज के इतने बजे आपने चेंज किया था। तो भाई बहुत ही सिंपल है भाई, अब वीडियो खत्म करता, वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है मुझे पता है। अभी तक वीडियो किसी ने भी नहीं देखा होगा, जो दो चार सीरियस बंदे को उन्होंने देखा होगा तो बताना चाहता हूँ भाई, जिसने भी देखा है भाई यस करके कमेंट करो, मुझे पता चले भाई आप सीरियस हो तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आगे, नहीं तो आप सीरियस नहीं हो तो भाई इससे अच्छा मैं अपना कोर्स बना के सेल कर दूँ, वो सबसे बेस्ट है भाई। तो यस करके कमेंट करो, लाइक करो, या भाई 200 लाइक आनी चाहिए, कुछ भी करो भाई। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए भाई, बहुत मेहनत की है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो मान सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करके बनाया भाई। तो मुझे पता नहीं कितने लोग ने पूरा देखा है, बट यस करके कमेंट करेगा मुझे मान लूंगा कि मेरा
वीडियो मैंने जितनी मेहनत की है उसका मुझे क्रेडिट मिल गया भाई। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना भाई, 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। वीडियो इसलिए लंबा होगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता था, कुछ नहीं है ज्यादा भाई, स्टेप बाय स्टेप काम करो। जो भी दिक्कत आ रही है फिर कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कीजिए और फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको मैं ऐसी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स लाता रहूंगा, आपके बहुत काम में आएगी, आप भी 1 रुपये पैसे खर्च किए बिना रेडी कर सकते हो। कल फेसबुक में बात हो रही थी कि बिना पैसे खर्च किए नहीं कर सकते भाई, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, मैंने जो अभी अर्निंग किया वो सारी फ्री में किए। अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना फुल टाइम बिजनेस बनाना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग को। तो ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी भाई, तो जर्नी में रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कमेंट करना किए बिना मत जाना भाई अभी तक वीडियो देखा है तो। चलिए वीडियो खत्म करते, फिर मिलते हैं, जय हिंद।